हाय जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए अभी के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, डिवाइन आपको इस समय क्या बताना चाहते हैं, आपको इस समय क्या सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तब इसमें आपके लिए मैसेज होगा। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाएंगे, कहाँ कनेक्ट होंगे, वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ गुरु जी। प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए अभी के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, क्या मैसेज आप देना चाहते हो जेमिनी मिथुन राशि वालों को। प्योरिटी पहला कार्ड है आपका। सेकंड है होप। वेट फॉर विंटर। बॉटम ऑफ द डेक है मॉडरेशन। ओके, माय डियर जेमिनी, यहां पर डिवाइन आपको जो सबसे पहले मैसेज दे रहे हैं ना कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा हो, ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी प्योरिटी को आपको खोना नहीं है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पर आपको ट्रस्ट रखना है। जिस भी सिचुएशन से आप अभी डील कर रहे हो, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, वो कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जो चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही हैं, जिनके आंसर्स शायद आप कहीं इधर उधर से ढूंढना चाह रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई आपके आकर के आपको गाइड कर दे, कोई आपको सॉल्यूशन बेसिकली दे दे, तो आपको बोला जा रहा है जो भी आपके अंदर क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो भी प्रश्न आपके अंदर चल रहे हैं, उन सभी के आंसर्स आपको आपके अंदर मिलेंगे। बस आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, आपको अपनी प्योरिटी से कनेक्ट होना है, आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है यहाँ पर। ठीक है, जब तक आप हार्शली चीज़ों को देखोगे तब तक आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, एक होता है ना कि बच्चे को हम, जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो होता है वो कितना इनोसेंट होता है, कितना प्योर होता है, कहते हैं ना हमें बच्चों की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है। आप उनको जो दिखा रहे हो वो उसको सच मान रहे हैं, आप पर यकीन कर रहे हैं, कितने प्योर, कितने इनोसेंट होते हैं, उसी एनर्जीज़ में आपको टैप इन करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में, जिनकी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर अभी पिक कर रही हूँ, कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसा चल रहा है जहाँ आप थोड़े हार्श हो गए हो ज़िंदगी को लेकर के, या फिर लोगों को लेकर के, या फिर दोनों को ही लेकर के। और थोड़ा होता है ना कि कड़वाहट आ जाना, अपने अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या आ जाना, या फिर कंप्लेंस वाली एनर्जीज में चले जाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। तो डिवाइन कह रहे हैं कि प्यूरीफाई करो पहले तो अपने आप को, ठीक है, क्लींस करो अपने आप को। ये वक्त है डिटॉक्सिफाई करने का, ये वक्त है क्लींस करने का अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, ठीक है। और आपको यहाँ पर सिर्फ अपने दिल से कनेक्ट होना है, अपनी आत्मा से कनेक्ट होना है, वहीं आपको सारे जवाब मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके अंदर चल रहे हैं, जब आप उनको शांति से अपने आप से कनेक्ट होंगे तभी आपको आपके अंदर उनके जवाब मिलेंगे। इतने शोर में, इतने गुस्से में, इतनी फ्रस्ट्रेशन में, इतनी नेगेटिविटी में आपको वो आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ से कनेक्ट होना, ठीक है, अभी के लिए। हालांकि ये इस रीडिंग के थीम्स नहीं रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो डिवाइन मुझे मैसेज दे रहे हैं
कि लाइट कलर को यूज़ करें अपने आसपास। मैं कहूँगी वियर भी करना है ना तो डार्क कलर को या फिर जो चटकीले कलर होते हैं ना उनको यूज़ ना ही करें, जैसे वाइट हो गया, क्रीम कलर हो गया, ऑफ वाइट कलर पे आप जा सकते हो, येलो कलर हो गया, लाइट मतलब ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर होगा हो गया, स्काई ब्लू कलर हो गया, ऐसे लाइट एनर्जीज को, लाइट कलर को बेसिकली चूज़ करने की ज़रूरत है। लाइट कलर के कपड़े आपको वियर करने की ज़रूरत है, लाइट पिंक कलर, ठीक है, वो आपको आपकी खुद की एनर्जी से कनेक्ट होने में भी बहुत मदद करेंगे। अब आप कहेंगे ये कौन सा टोटका है, ये टोटका नहीं होता गाइज, ये कलर थेरेपी कहते हैं इसको, ठीक है। रंग जो होते हैं ना वो आपके जीवन पे बहुत प्रभाव डालते हैं, कलर्स का बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। खास करके पिंक कलर के साथ आपको काम करना है। और यहाँ पर एक और मैसेज मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना अब इग्नोर कर रहे हो, जैसे अपने आप से ही कड़वाहट आ रही है, अपने आप से ही नफरत हो रही है, अपने आप से ही एक कुंठा से जाग रही है, मतलब अपने आप से ना जैसे आप हेट करने लग गए हो, अपना ध्यान नहीं रखते हो आप में से कुछ लोग, ठीक है। जिनसे भी एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं वो कनेक्ट कीजिए, वो मैसेज लीजिए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, ठीक है। एक जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल बात आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। मैं कहूँगी जो आप लोगों से सुनना चाह रहे थे ना कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, अभी वो आपकी बॉडी, आपकी फिगर को लेकर के हो सकता है, आपके स्किन टोन को लेकर के हो सकता है, आपकी ब्यूटी को लेकर के हो सकता है, या फिर आपके खुद को लेकर के, मतलब होता है ना कि हाँ, तो अपने आप को बोलो आई एम गुड इनफ, ओके, तो आई एम ब्यूटिफुल, आई एम प्योर, आई एम पॉजिटिव, ठीक है, आई एम स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको मिरर में देख करके खुद को ये वर्ड्स जो है कहने की आपको ज़रूरत है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। पिंक कलर आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पिंक कलर की आप अपने रूम में बेडशीट आप बिछा सकते हो, ठीक है, एक बड़ा सा पिंक कलर का हार्ट आप अपने रूम में लगा सकते हो, उसकी सीनरी आप लगा सकते हो, कोई पोस्टर आप लगा सकते हो। आपके लिए डिवाइन इस समय इन मैसेजेस को ना, ये जिनसे एनर्जीज कनेक्ट हो रही है ना गाइस, मैं आपको यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर बताना चाहूँगी, इन एनर्जीज को हल्के में मत लीजिएगा, ये कोई मजाक नहीं कर रही है, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करने आई आपका ना ही खुद का, ठीक है, समय बहुत कीमती है। तो ये जो मैसेजेस होते हैं ना कि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही होती, कि मुझे डिवाइन ही है जो चैनल कर रहे हैं मैसेज आपके लिए। मैंने यहाँ पे अभी तक की इन रीडिंग्स में ये जो वाला मैंने टॉपिक लिया है इसमें किसी में मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं, ओके। और स्पेसिफिकली आपके लिए रोज़ क्वार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो रोज़ क्वार्ट्स का जो है मैं ढूंढ ही रही थी लेकिन मैंने वियर कर रखा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये ब्रेसलेट भी है, आप ब्रेसलेट वियर कर सकते हो, आप पेंडेंट वियर कर सकते हो, आप उसका रोज स्टोन आप ले सकते हो, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में ना आपको रोज क्वार्ट्स के साथ काम करना है। मैं कहूँगी आपके केस में जेमिनी बड़ा आप रोज क्वार्ट्स अगर अपने पास रखते हो बड़े साइज का वो बहुत अच्छा रहेगा, अपने बेडरूम में रखिए। मैं ये नहीं बोल रही सब नहीं ले पाएंगे बड़ा, तो आप छोटे से शुरुआत करें, ठीक है, छोटे से शुरुआत करें, रोज़ क्वार्ट्स को वियर कीजिए, उसे अपने साथ रखिए, तो आपको सेल्फ लव में टैप इन करने में मदद करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आपके रिश्ते बिगड़े हैं उनको ठीक करने में भी आपकी बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। जिन ये आई रियली डोंट नो मुझे ये मैसेज क्यों आ रहा है, मैं इस तरह के मैसेजेस ऐसे नहीं देती हूँ क्योंकि मैं वो वाली रीडिंग कर ही नहीं रही हूँ, लेकिन आपके लिए ये मैसेज आ रहा है गाइस, जिनके रिश्ते में कड़वाहट है, जो मैरिड कपल्स हैं यहाँ पर, ओके, आप लोग अपने बेडरूम में हार्ट शेप का जो रोज क्वार्ट्ज होता है या उसका जो कपल बना हुआ होता है वो आप रख सकते हो। रोज क्वार्ट्ज का ही आप आई थिंक स्वैन बनी हुई होती हैं, ठीक है, अब वो रख सकते हो। और जो लोग रिश्ते में हैं, ओके, मैरिड नहीं है लेकिन रिश्ते में हैं, आप लोग ब्रेसलेट वियर कर सकते हो, ब्रेसलेट या फिर पेंडेंट, राइट, तो वो आपके प्यार को और बढ़ाने में
आपके रिश्तों में मधुरता लाने में बहुत मदद करेगा। दूसरी बात, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ भी चल रहा हो, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। आपको अपने आप को नेगेटिव नहीं रखना है। इस समय आपके लिए सुनना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी की बात नहीं हो रही, आपको इस पर काम करना है। सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको अप्लाई करना है। ये अगर आपने इस मैसेज का टॉपिक पढ़ा होगा, अर्जेंट मैसेज किसकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है। समझ रहे हैं आप, स्पिरिट की तरफ से मैसेज आपको दिया जा रहा है अभी के लिए, तो इस पर काम कीजिए। ये लाइट मैसेजेस मत लीजिए, यहाँ पर खेल नहीं है कोई। समझ रहे हो, आपकी सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, आपको उसमें नेगेटिव नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रही, आप भी इंसान हो, इंसान नेगेटिव हो जाता है, पर जल्दी से जल्दी रिकवर करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, अपने माइंडसेट को कन्वर्ट करो किसी और दिशा में, ठीक है। कुछ भी करो, मतलब उस एनर्जी से निकलने की कोशिश करो, ओके? कहीं अगर कुछ लड़ाई हुई, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, डेफिनेटली आप उसका इफेक्ट पड़ेगा कुछ वक्त आपके ऊपर, लेकिन जैसे ही आप अवेयर होते हो, तुरंत अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर दो, कुछ ऐसा करो आप, ठीक है। मोटिवेटेड वीडियोज़ देखो, शॉर्ट्स देखो, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, सेल्फ लव की में टैपिंग करो, अपने ध्यान को हटा लो। और इस समय में सबसे ज़्यादा आपको अपने खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि खाना, जिस तरह का खाना आप खा रहे हो ना, वो आपकी मानसिकता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि खाना जो आप खा रहे हो ना, फोकस कीजिए कि आप कैसा खाना खा रहे हो, क्योंकि वैसा ही बेसिकली आपका माइंडसेट रहेगा। तो इस समय हेल्दी फूड को फॉलो कीजिए, और ख़ास करके आपके लिए एक मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी आजकल हम सभी की आदत है, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, कि जब हम लोग खाना खाते हैं, या तो फ़ोन देख रहे होते हैं, या मूवी टीवी कुछ भी चल रहा होता है, आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जब भी आप खाना खाएं ना, थोड़ा माइंडफुल रहें। कहने का मतलब, फोकस सिर्फ खाने पर, कि कितना आप खाना खा रहे हो, कितना खाना आपके अंदर जा रहा है, आप उसको च्यू कर रहे हो, मतलब पूरा फोकस खाने पे। अब आप कहोगे ये क्या पागलों वाली बात है, लेकिन ये जो फॉर्म में आपको बता रही हूँ ना, कि जब आप खाना खा रहे हो, आपने खाना तोड़ा, आपने रोटी तोड़ी, आपने सब्जी लगाई, आपने उसको खाया, आप उसको चबा रहे हो, आप उस पर फोकस्ड हो, ये एक मेडिटेशन का टेक्निक है। हैरत हुई ना इस बात से, ये भी एक मेडिटेशन है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कोई गिफ्ट, मतलब है, टैलेंट है, उस काम को करो। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, तो फॉर एग्जांपल पेंटिंग आपको पसंद है, ड्राइंग पसंद है, कलरिंग पसंद है, जब हम वो काम कर रहे होते हैं, हमारे अंदर वो भी थॉट चल रहा होता है, नहीं ना, आप अपना फेवरेट काम चुन लीजिए, ठीक है। निटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, कुछ भी, एनीथिंग है, एनीथिंग, ठीक है, गार्डनिंग हो गया, जब आप उस काम को, जो आपका दिल का है, आप उस काम को कर रहे हो, तो आपका थॉट्स नहीं चल रहे उस समय कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो कुछ वक्त के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। ये वो फॉर्म है, क्योंकि मे बी आप में से बहुत लोग, जब आप लोग खाना खाते हैं ना, तो आप बहुत नेगेटिव या तो टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, ठीक है, या फिर सोचते हैं खाना खाते वक्त भी, और वो आपके माइंड में इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कीजिए। दूसरा, ये जो भी सिचुएशन चल रही है इस समय में, अभी हाल फिलहाल में, आपने जो भी डिवाइन से समय एक प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, जो उनसे मांगा है ना, जो विश मांगी है, वो 100% फुलफिल होगी, अगर वो उसमें किसी का बुरा नहीं है, ठीक है, उसमें अगर किसी का बुरा नहीं है और वो आपके लिए अच्छी है। ये मैं वो बात नहीं कर रही कि किसी ने मांग लिया, कोई ऐसे पर्सन को मांग लिया जो उनसे दूर चले गए, जो आपसे दूर चले गए, और डिवाइन को भी पता है, कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से पता ही होगा कि ये एक टॉक्सिक पर्सन है, या ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे। अब आप प्रेयर कर रहे हो, डिवाइन मुझे तो ये पर्सन चाहिए, तो वो वाली विशेज फुलफिल नहीं होंगी। जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी है, जो आपके लिए अच्छी है वाकई में, वो विश आपकी, अब जो आने वाली सर्दियां होंगी ना, विंटर सीजन होंगे, उसमें आपकी विश फुलफिल होगी। तो आपको बोला जा रहा है, इसीलिए भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है। अभी अगर आप भूल गए हैं ये सुनते हुए कि मैंने पीछे और क्या बोला था,
दोबारा से सुनिए और एक लिस्ट बना लीजिए और उस मेथड को कीजिए, उस काम को कीजिए। ये सुन करके इस वीडियो को बंद कर देना ही इनफ नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये जो छोटी सी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, बारीकी सी चीज़ें बताई हैं ना, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली हैं। आपके थॉट में भी लाएंगी, आपके माइंड में भी लेकर के आएंगी, आपके जीवन में भी लेकर आएंगी। मतलब ये पूरी तरीके से आपके अंदर आपको बदलेगा और आपके जीवन को बदलेगा। ठीक है, लेट्स सी। थैंक यू बाबा। बेसिकली ये मैंने नहीं बताई हैं, डिवाइन ने बताई हैं। ओके, प्लीज़ बताएं क्या है जो जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए इस समय अर्जेंट उनको मैसेज आप देना चाहते हैं। ये है किंग ऑफ वॉन्ट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, माई गॉड, डेविल। लिटरली आप लोगों की ना कोई कार्मिक सिचुएशन है जिससे आप बाहर आने वाले हो विंटर सीजन में। यहां पर है एम्परर, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये है टेम्परेंस। मैंने आपको बोला डेविल के नीचे ही आया, ठीक होंगी हालात आपके, ठीक होंगे। यहाँ पर अगर किसी की जिंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना, वो भी यहाँ से हील होती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है किसी ने जैसे चिटिंग करा है, किसी को उसका कर्मा मिलने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है, ओ माई गॉड, यहाँ पे स्ट्रांगली एनर्जीज हैं, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज है बॉटम ऑफ द डेक। किसी की जिंदगी में स्पेसिफिकली कोई थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है। डेविल अगेन, वॉन्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ट्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। जेमिनी, आप लोग खुद किसी कार्मिक में स्टक हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप में से बहुत लोग ना, आप में से बहुत लोग जो हैं खुद से स्टक हो आप लोग। डेविल की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर, तो आप लोग खुद से स्टक हो, अपनी मर्जी से रुके हुए हो। आपको पता है, मैंने बोला ना यहाँ पर जो मैसेज आया, कि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जो मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ वो नेगेटिव सिचुएशन है या फिर वो सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस पर फोकस मत करें, उससे बाहर आएं। डेफिनेटली आपको हर्ट हो सकता है उस सिचुएशन में, ओके, लेकिन आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। आपको अपना पूरा फोकस जो है ना अपने करियर पर यहाँ पर लगाने के लिए डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी है ना इस समय आपको सिर्फ अपने करियर पाथ पर, या तो आप करियर पाथ आपका हो सकता है या फिर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हैं, ठीक है, तो आपको बेसिकली उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को ना आप डिवाइन को छोड़ दो, ठीक है। ये खास करके मुझे आप में से कुछ लोगों का ये रिश्ते नज़र आ रहे हैं, रिलेशनशिप, ठीक है। ये कोई भी आपका प्यार का रिश्ता हो सकता है या फिर ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी रिलेशन आपका हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है इस समय आपको उससे उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जितना आप उस पर फोकस कर रहे हो ना उतना ही आपकी जो करियर है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इस टाइम पर सिर्फ आपको इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, अपने करियर पाथ पर या जो भी आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो उस पर फोकस कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, दैट्स इट। इस पर आपको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ
कि किसी ने आपको हर्ट करा है, किसी ने आपको चीट करा है, मे बी किसी ने आपको झूठ बोला था, किसी ने आपको अपनी पूरी बात नहीं बताई थी, कुछ तो है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, किसी की बातों से आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो हुए हुए हो और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस आप ना अपने आप को किसी तरीके से, मैंने बोला ना अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करो, यहाँ पर एंजल्स आ गए हैं आपकी मदद करने के लिए। तो बस आपको आपकी सिचुएशन को ना, ये वाली सिचुएशन को, इस कार्मिक सिचुएशन को आप डिवाइन को, एंजल्स को छोड़ दो, उन पर छोड़ दो, ठीक है। इसमें आपको टैप इन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या इसका आउटकम निकलेगा, वो आप डिवाइन पर छोड़ दो, क्योंकि इस चीज़ से आपको बड़ी जल्दी निजात मिलेगी। अगर ये पर्सन खुद आपके लिए टॉक्सिक है तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे बहुत ईजिली आने वाले समय में, ठीक है। और नहीं तो जो कोई थर्ड पार्टी बीच में आई है आप लोगों के बीच में, आप लोगों का रिश्ता अच्छा था, तो वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी। कहने का मतलब जो भी फ्लक्चुएशन आपके रिश्ते में आई है ना, वो हील हो जाएगी, लेकिन आपको इस पर से ध्यान हटा करके अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर, अपने करियर पाथ पर आपको फोकस करना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई अपने किसी का फोकस है, बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जीज हैं यहाँ पर, किसी का फोकस है यहाँ पर, कोई काम कर रहे हैं आप लोग, कोई किसी का गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आप अपना पूरा ध्यान वहाँ दीजिए, ठीक है, इस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और इससे अटैच मत कीजिए बस अपने आप को किसी भी फॉर्म में, ना इमोशनली ना मेंटली। अटैच कैसे होगे, जब आप उसको अपनी ऊर्जा दोगे तो आपको ऊर्जा ही नहीं देनी है यहाँ से, आपको सिर्फ अपने करियर पर, अपने स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना है, दैट्स इट, और किसी चीज़ पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि इसका आउटकम ना डिवाइनली मुझे नहीं बता रहे, क्योंकि सबके लिए डेफिनेटली अलग अलग होगा, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से, तो यहाँ पर वो राज नहीं खोला जा रहा है कि इसका आउटकम क्या होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, तो वो आपको उसका आगे मिलेगा। और ये विंटर टाइम मुझे स्पेसिफिक आपका नज़र आ रहा है, सर्दियों का समय, ठीक है, उस टाइम पर यहाँ पर मैं आपके लिए रिजल्ट देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए यहाँ से ध्यान हटा लीजिए, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं जेमिनी, लेट्स सी और क्या आपको डिवाइन बोल रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिचुअल गाइड्स, थैंक यू और क्या मैसेज है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। इनसिक्योरिटी, फेद, ग्रैटिट्यूड। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलूँगी जेमिनी मिथुन राशि, कि आपको ना कुछ है, आपके ना रूट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, ठीक है, आपको अपने रूट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, रूट चक्रा पर काम कीजिए अपने, ओके। जिस वजह से कि आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं है, इनसिक्योर आप फील कर रहे हो, फियर बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, यहाँ पर देख रहे हैं ना हार्ट भी है, फाइनेंसिस को लेकर के हो, स्टेबिलिटी को लेकर के हो, घर परिवार को लेकर के हो, तो वो फियर बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस समय डिवाइन बोल रहे हैं आपको अपने रूट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो रूट चक्रा की मेडिटेशन आप कर सकते हो, उसकी चैंटिंग आप कर सकते हो, उसके स्विच वर्ड फ्रेसेस भी होते हैं, आप उसको चैंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर फेथ, तो यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं आपको कि आपको वो जो पाथ बता रहे हैं अभी, कि आपको सिर्फ अपने करियर पाथ पर फोकस करना है, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना है, कुछ लोगों के लिए दोनों चीज़ें हैं, तो उस पाथ पर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और यहाँ पर जो आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं ना, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि अभी भी आप में से कुछ लोग हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको इस तरफ अभी फोकस नहीं करना है, इसे डिवाइन पर छोड़ दीजिए आप, इस सिचुएशन में आपको, इस कार्मिक सिचुएशन में आपको अभी नहीं पढ़ना है, इस बारे में बिल्कुल अपनी एनर्जीज नहीं देनी है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है, वो डिवाइन पर छोड़ दो, क्योंकि एंजल्स डिवाइन यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस बात पर, इस सिचुएशन में आपको उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्स भी आप जो है वियर कर सकते हो, ओके। और आपको जो पाथ वो दिखा रहे हैं ना इस समय, जो आपको मैसेज दे रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए, दैट्स इट, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आई, मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना आपके लिए जो मैसेज आया था, कि आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड में टैप इन कीजिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ में ना राइट नाउ आपके पास कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन से अच्छे रिश्ते हैं, उन पर फोकस करते हुए
उन पर फोकस करते, डिवाइन को थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल रहो कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि मेरे पास मेरे अपने हैं, या मेरे पास मेरी जॉब है, मैं स्टेबल हूँ, मैं खा पा रहा हूँ, मैं सो पा रहा हूँ. हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए. ठीक है, इस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर पाएंगे. और इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में ना ये जो कार्मिक सिचुएशंस है ना, ये भी रिलीज होंगी, क्योंकि ये ब्लॉकेज हैं. और जैसे आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में आओगे, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे, ये नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होंगी और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपकी तरफ आएंगी, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी. ओके, तो इस प्रोसेस को आपको इस समय करने के लिए ज़रूरत है. ये आपके लिए अभी के लिए अर्जेंट मैसेज है. तो यस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग. होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो. मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय.